हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम आपको आज टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी लेक्चरर बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, यहाँ पे हम 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, वायरॉन्स मीन्स, व्हाट इज़ वायरॉन्स मीन्स। पहला ऑप्शन है कैप्सिडा वायरस, दूसरा ऑप्शन है कंप्लीट फॉर्म है वायरस, तीसरा ऑप्शन है न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरस और चौथा है डेड वायरस। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकेंड, वायरॉन इज द कंप्लीट फॉर्म है वायरस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू क्या है, इन बैक्टीरिया व्हेन मेनी फैजला प्रेजेंट एट वन पोल आर नोन एज। तो पहला ऑप्शन है मोनोट्राइकस, दूसरा एम्फीट्राइकस, तीसरा लोफोट्राइकस, चौथा पेरीट्राइकस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लोफोट्राइकस। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, साइक्लोहेक्सीमाइड वाज आइसोलेटेड फ्रॉम। साइक्लोहेक्सीमाइड को हम एक्टी डायोम भी कहते हैं। तो किससे ऑप्टेन किया जाता है? पहला ऑप्शन है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस, दूसरा है जेंथोमोना सिट्राई, तीसरा इरविनिया एमाइलव और चौथा स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस से साइक्लोहेक्सीमाइड को ऑप्टेन किया जाता है। अगला, क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ किंगडम फंजाई। जो किंगडम फंजाई है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? पहला ऑप्शन क्या है, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और दूसरा ऑप्शन क्या है, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड विथ इंजेसिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और तीसरा, इट इज ए ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विथ एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड चौथा ऑप्शन क्या है, इट इज ए ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ये क्या है, यूकैरियोटिक ग्रुप का मेम्बर है और ये एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ऑप्टेन करता है। नेक्स्ट पाँचवा क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग सेट बिलोंग टू द सेम क्लास ऑफ एल्गी। एल्गी का सेम क्लास कौन बिलोंग करता है, कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? तो पहला है ऑप्शन कारा, फ्यूकस एंड सॉर्गासम, दूसरा ऑप्शन है वॉल्वास, स्पायरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास, तीसरा ऑप्शन है पोरफायरा, एक्टोकार्पस एलोथ्रिक्स और चौथा है सॉर्गासम लेमिनेरिया एंड ग्रेसिलेरिया। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये सेम क्लास के हैं क्लोरोफाइसी मेंबर के। इसमें कौन सा है, वॉल्वास, स्पायरोगायरा एंड क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन माइकोबियंट इन लाइकेन बिलोंग्स टू। जो माइकोबियंट होता है, लाइकेन जो होता है सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है, उसमें क्या एल्गी एंड फंजाई का सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है। उसमें पूछा है कि माइकोबियंट, जो माइकोबायंट होते हैं उसका जो मोस्ट कॉमन होता है कौन सा मेंबर होता है? तो इसमें ऑप्शन है फाइकोमायोसिटीज, बेसिडियोमायोसिटीज, एस्कोमायोसिटीज एंड ड्यूट्रोमायोसिटीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एस्कोमायोसिटीज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स सेल्स आर फाउंड इन। पहला है रिक्सिया, मर्केंशिया, फ्यूनेरिया, नन। तो इसका जो ऑप्शन है क्या हो जाएगा, नर्स सेल इज फाउंड इन रिक्सिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां, क्वेश्चन नंबर आठवां, विच आर पार्ट ऑफ फ्यूनेरिया इज हैप्लॉयड। ऑप्शन नंबर वन ऑपरकुलम, बी कॉलुमेला, सी कैलिप्ट्रा, डी एनुलस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैलिप्ट्रा। कैलिप्ट्रा इज द हैप्लॉयड पार्ट ऑफ फ्यूनेरिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्रायोफाइट। पहला है आयरिस मॉस, दूसरा है बॉग मॉस, तीसरा है रेंडियर मॉस, चौथा है क्लब मॉस। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बॉग मॉस। इसको पीट मॉस भी कहते हैं, जैसे स्फैग्नम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बॉग मॉस। क्वेश्चन नंबर 10, कैराइनल कैनाल आर फाउंड इन द स्टेम ऑफ इक्विसिटम इन। किस पार्ट में कैराइनल सिस्टम कैराइनल कैनाल पाई जाती है? तो उसका ऑप्शन है, पहला वैस्कुलर बंडल, कॉर्टेक्स, पित या ऑल ऑफ दीज। तो कैराइनल कैनाल जो होती है वो वैस्कुलर बंडल में पाई जाती है, तो पहला ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, हाइप्लोफिटिक फर्न्स, इसमें से हाइप्लोफिटिक फर्न्स कौन है? तो पहला ऑप्शन है एडियंटम इमेजिनेटम, दूसरा है एस्पिलिनम नीडस, तीसरा ऑप्शन है एक्रोस्टिचम आरियम और चौथा ऑप्शन है नम। तो हाइप्लोफिटिक फर्न्स के बारे में पूछा है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3, एक्रोस्टिचम आरियम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, द ओविलिफेरस स्केल ऑफ पाइनस इज ए पार्ट ऑफ। ओविलिफेरस जो स्केल होता है पाइनस का, किसका पार्ट है? पहला ऑप्शन है मेगा स्पोरोफिल, दूसरा है माइक्रो स्पोरोफिल, चौथा है ओब्यूल, इसमें स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई ओब्यूल की, और चौथा ऑप्शन है ड्वार्फ रूट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो ओविलिफेरस स्केल ऑफ पाइनस किसका पार्ट है? मेगा स्पोरोफिल का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, नंबर ऑफ प्रोथेलियल सेल्स इन द मेल गैमेटोफाइट ऑफ पाइनस। पाइनस के मेल गैमेटोफाइट में कितने नंबर ऑफ प्रोथेलियल सेल्स होते हैं? तो ऑप्शन है 1, 2, 3 एंड 0। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2, टू प्रोथेलियल सेल आर फाउंड इन मेल गैमेटोफाइट ऑफ पाइनस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नंबरिंग थोड़ा मिस्टेक हो गई है। कॉमन कनेक्टिंग लिंक बिटवीन साइकस एंड कॉनिफर्स। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन साइकस एंड कॉनिफर के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक कौन है? पहला ऑप्शन है इफेड्रा, दूसरा है क्यूपरस, तीसरा है जिंक, चौथा है सूजा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जिंको। जिंको इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन साइकस एंड कॉनिफर। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विच वन इज मोस्ट प्राइमेटिव एमंग द फॉलोइंग इन जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंग कौन सा इस चारों ऑप्शन में मोस्ट प्राइमेटिव है? तो पहला लाइकोपोडियम, दूसरा सुलेजनेला, तीसरा इक्विसिटम, चौथा साइलोटम। तो हम इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? साइलोटम इज द मोस्ट प्राइमेटिव अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल टाइम स्केल। क्वेश्चन नंबर 17, सेंसर मैकेनिज्म ऑफ सीड डिस्पर्सल इज फाउंड। जो सीड का डिस्पर्सल होता है वो सेंसर मैकेनिज्म किस में पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है पेपर, दूसरा सनफ्लावर, तीसरा कैंडिटेप, चौथा कॉटन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पेपर इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ सेंसर मैकेनिज्म ऑफ सीड डिस्पर्सल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, सिनी ग्रीन इज प्रेजेंट इन द मेंबर ऑफ फैमिली। सिनी ग्रीन किस फैमिली मेंबर में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है मालवेसी, दूसरा रूटेसी, तीसरा ब्रैसिकेसी, चौथा नॉन ऑब्डीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ब्रैसिकेसी। ठीक, ओके, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिनोमेनन ऑफ रिज्यूपिनेशन इज रिपोर्टेड इन। रिज्यूपिनेशन इज द रिपोर्टेड इन, पहला ऑप्शन है लिलियसी, दूसरा रूबियसी, तीसरा ऑर्किडेसी, चौथा साइप्रेसी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑर्किडेसी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20, मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर एंड फ्रॉम द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। इसमें तो थोड़ा कोड गलत हो गया है, तो इसमें कोई बात नहीं है, हम मैच कर लेंगे। तो पहला ड्रूप, ड्रूप जो होता है वो कोकोनट होता है। ठीक, बेरी ब्रिंजल, पीपो किस में पाया जाता है? कुकुरबिटेसी फैमिली वाली कोकुम्बर में, और डबल समारा ये सर मिल गया। तो इसका जो पहला ए है वो जाएगा थर्ड में, थर्ड से मैच करेगा, दूसरा 1 और तीसरा 2 और चौथा, यानी थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक,
नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के पास। द इन्वर्टेड कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल इज फाउंड इन इन्वर्टेड, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, इन्वर्टेड कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल इज फाउंड इन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वोराबिया, सेकंड निक्टेंथिस, सी एमारेंथस, चौथा ड्रसीना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निक्टेंथिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 एम्फीवेसल वैस्कुलर बंडल आकर्षण, पहला ऑप्शन ड्रसीना, दूसरा लाइकोपोडियम, तीसरा पाइना, चौथा कुकुरबिटेसिस। तो एम्फीवेसल वैस्कुलर बंडल किस में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ड्रसीना में। क्वेश्चन नंबर 23 कॉमर्शियली इम्पोर्टेंट कॉटन फाइबर, जो कॉटन फाइबर होता है वो किससे ऑब्टेन किया जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, एपिडर्मल हेयर, दूसरा है पहला है एपिडर्मल हेयर ऑफ सीड, दूसरा ओडी फाइबर ऑफ रूट, तीसरा फ्लोएम फाइबर ऑफ रूट एंड चौथा बार्क फाइबर ऑफ स्टेम। तो क्या है इम्पोर्टेंट जो कॉटन फाइबर हो, पहला है एपिडर्मल हेयर ऑफ कॉटन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 एडवेंटिव एम्ब्रियोनी मोस्ट कॉमनली आकर्षण, एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी या पॉली एम्ब्रियोनी भी बोल सकते हैं, फाउंड इन द, पहला ऑप्शन है रेनेनकुलस, दूसरा सिट्रस, तीसरा सोलेनम, चौथा पार्थिनियम। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सिट्रस में पॉली एडवेंटिव एम्ब्रियोनी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 मेल फ्लावर इन यूफोरबिया फुलचेराइमा है, तो मेल फ्लावर जो है वो यूफोरबिया फुलचेराइमा कितना है, इसमें न्यूमरस स्टेमेन पाए जाते हैं। थैंक यू गाइस, कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में आप नीचे बताएंगे, एंड हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट के लिए। थैंक यू।